अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अक्सा मुर्तजा एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन फार्मा बाय एएन लेक्चर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फार्माकोलॉजी एंड इन फार्माकोलॉजी आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर विद फार्माकोकाइनेटिक्स एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स दैट फार्माकोकाइनेटिक्स, टर्म फार्माकोकाइनेटिक्स को हम समझते हैं कि दैट व्हाट फार्माकोकाइनेटिक इज। द फार्माकोकाइनेटिक मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ड्रग के बॉडी जो है अब एक ड्रग के साथ क्या करने वाली है। इफ आइदर इट इज टेकिंग फ्रॉम माउथ, अगर हम ड्रग को माउथ से ले रहे हैं, इफ वी आर टेकिंग इट थ्रू पेरेंट्रल रूट, अगर ड्रग पेरेंट्रल रूट से आ रही है तो अब उसके साथ बॉडी क्या परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन होनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है एंड हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। ये सब चीज़ें हम फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी करते हैं एंड इट्स अ वेरी वास्ट एरिया ऑफ स्टडी जिसमें हम तमाम चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं कि ड्रग जो है, एक ड्रग वो किसी भी रूट से, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जो भी हो, वो आने के बाद बॉडी इसके साथ किस तरह की परफॉर्मेंस करने वाला है। इसका वेरी अपोजिट टर्म है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स के मीन्स हैं कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, एक ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या करने वाला है, ठीक है। एनी स्टूडेंट हु इज नॉट द स्टूडेंट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट और इफ इट इज अ ले पर्सन, तो वो ये सोचता होगा कि ड्रग हमारी बॉडी में, हाउ द ड्रग नो कि इट हैज़ टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इन अ लेग, अगर लेग पेन है, हेडेक है, तो वो हेडेक किस तरह से दूर करने वाला है। एक ड्रग को क्या पता, हम अगर ड्रग मेडिसिन को माउथ से ले रहे हैं तो उसको क्या पता कि हेडेक है तो वो हेडेक को ख़त्म करेगा। सो इफ एनीवन इज़ अ ले पर्सन तो वो इस तरह से सोच रहा होगा। तो हमें ये चीज़ें, हम इन चीज़ों को कैसे समझते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, हम इन चीज़ों को फार्माकोडायनेमिक्स में देखते हैं कि ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या करने वाली है, ठीक है, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के अपना एक्शन किस जगह पे जाके देगी, किस रिसेप्टर से बाइंड होगी, तो ये चीज़ें हम फार्माकोडायनेमिक्स में देख रहे होते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास चार ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें ये डिटरमाइन कराती हैं कि एक्शन ड्रग का कब स्टार्ट होने वाला है। एक ड्रग हमने ले ली, बाय माउथ ले लिया या फिर हमने उसके पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद उसका एक्शन कब होने वाला है हमें कैसे पता चलेगा, हम इसको फार्माकोकाइनेटिक की प्रॉपर्टीज से हम मालूम करते हैं। इसके बाद एक एक्शन स्टार्ट हो चुका है ड्रग का, तो वो कितनी इंटेंसिटी में उसकी ड्रग जो है वो एक्शन देने वाला है, तो हम उस हिसाब से उसकी डोज डिसाइड कर लें कि इफ़ यू हैव टू टेक दिस ड्रग इन 5 mg या हमें 0.5 mg की लेनी है डोज, तो हमारी डोज डिसाइड हो जाएगी कि हमने किस mg की डोज लेनी है तो उसका इतना एक्शन हमें मिलने वाला है। आफ्टर ऑल दिस एडमी के परफॉर्मेंस और फार्माकोकाइनेटिक के परफॉर्मेंस के बाद हमारी इतनी इंटेंसिटी की एक्शन मिलेगी, तो हम उस हिसाब से डोज डिसाइड कर लेते हैं। इसी के साथ हमारे पास जो फोर्थ फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो ड्रग की एक्शन को, एक एक्शन स्टार्ट हो चुका है वो कितनी देर तक रहने वाला है, तो थ्रू दिस प्रॉपर्टीज वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन डिटरमाइन the frequency of the drug also. हम drug की frequency भी पता कर सकते हैं कि if we have to take this drug after 8 hours or we have to take this drug after 4 hours, ठीक है, हमें दिन में 4 दफ़ा लेना होगा या दिन में हमें इसको 2 दफ़ा लेनी है या एक दफ़ा से ही इस drug का हमारे पास action मिल जाएगा और will be enough, तो हम उसकी dose इतनी ही लेंगे, ठीक है। तो this all दिस फोर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज हेल्प टू डिटरमाइन दिस ऑल थिंग्स, हमें ये फ्रिक्वेंसी पता करने में, इसकी डोज की हेल्प में और एक्शन कब स्टार्ट होना, ये तमाम चीज़ें हमें पता चलती हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। ये चार प्रॉपर्टीज कौन सी हैं हमारे पास, ये चार प्रॉपर्टीज हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। वर्ड एडमी आता है यहाँ पे कि हम एडमी के थ्रू, एडमी इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, ठीक है, दिस फोर प्रॉपर्टीज इज एडमी। एडमी हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि एक्शन कब होनी है ड्रग की, डिस्ट्रीब्यूशन कब होनी है, इंटेंसिटी कब होनी है, ये तमाम चीज़ें हमें एडमी डिसाइड करते हैं। ओके, सो एब्जॉर्प्शन में क्या है हमारे पास, जैसे ही ड्रग
अगेन एंड रिगार्डलेस ऑफ एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तमाम ड्रग्स को एंटर होना है प्लाज्मा के अंदर ही एट लास्ट. सही, ड्रग एब्जॉर्ब होगी प्लाज्मा में ही हिस्सा बनेगी. अगर वो मौत से भी आ रही है तो वो तमाम उसकी डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन ये तमाम प्रोसेस होने के बाद वो प्लाज्मा का हिस्सा बनेगी. डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन बाईपास हो जाता है पेरेंट्रल रूट में. ड्रग डोंट नीड टू डिसॉल्व और डोंट नीड टू डिसइंटीग्रेट. वो पेरेंट्रल के अंदर वो डायरेक्टली प्लाज्मा का हिस्सा बन जाती हैं तो हमारे पास रैपिड एक्शन मिलता है. ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ड्रग की. देन ड्रग हैव टू डिस्ट्रीब्यूट. ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होकर के इंटरस्टीशियल फ्लूइड्स के अंदर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है. देन जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है लीवर के अंदर और किडनी के अंदर भी जा रही है तो यहाँ पे ड्रग्स जो हैं अपनी बायो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और मेटाबलाइज होते हैं, खुद को मेटाबलाइज करते हैं, अपने मेटाबलाइट्स बनाते हैं. ठीक है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप कि यहाँ पे ये होना. कुछ ड्रग होती हैं जो प्रो ड्रग के फॉर्म में हम ले रहे होते हैं. ठीक है, कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको हम प्रो ड्रग ऐसा ले रहे होते हैं तो उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो फिर वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और इस तरह से वो एक्शन देते हैं. ठीक है, तो इस तरह से मेटाबॉलिज्म इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप है कि वो परफॉर्म करते हैं. एलिमिनेशन होती है इसके बाद जो मेटाबोलाइट्स 110% जो 100% ड्रग है और हम इसको किसी भी रूट से ले रहे हैं. ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% ही अपना परफॉर्मेंस देंगी. इफ़ इट इज़ अ 5 mg ड्रग तो वो 2.5 एब्जॉर्ब होंगी और 2.5 जो है यानी कि 50-50 वो एब्जॉर्बेंस होगी और 50% वो एलिमिनेट हो रही होंगी. या हो सकता है 75% वो परफॉर्मेंस दें और बाकी के परसेंट जो है वो एलिमिनेट हो रहे हों. एलिमिनेशन लाजमी है ड्रग की तो तमाम ड्रग अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होने के बाद एलिमिनेट हो सकते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फिसेस बाइल और स्वेट के थ्रू वो एलिमिनेट हो सकते हैं बॉडी से. ओके, सो नाउ कमिंग टू द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स. हमारे पास डिफरेंट रूट्स हैं जिसके थ्रू हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज एंटीडल, वेरी कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट कम्स इज पेरेंट्रल. अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वी हैव इज टॉपिकल, ऑक्यूलर, ओटेक, एपिड्यूलर, रेक्टल, वजाइनल एंड नेजल. ठीक है, दिस ऑल आर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिससे ड्रग्स एडमिनिस्टर की जा सकती हैं. नाउ हाउ वी विल डिसाइड कि किस रूट से हमने ड्रग को एडमिनिस्टर कराना है, कौन सी ड्रग को किस रूट से एडमिनिस्टर कराना है. सो देयर आर बेसिकली फॉलोइंग टू फैक्टर्स जिसपे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करते हैं. ड्रग की प्रॉपर्टी कैसी है, मीन्स ड्रग की प्रॉपर्टी से मतलब ये हुआ कि ड्रग आइदर ड्रग इज़ वाटर सॉल्युबल या फिर ड्रग जो है वो नॉन पोलर ड्रग है. ठीक है, या वाटर सॉल्युबल ड्रग नहीं है वो. तो ये प्रॉपर्टी हमारी डिसाइड करती है कि ड्रग को बाय इंटीरियर रूट होना चाहिए या पेरेंट्रल होना चाहिए. ठीक है, अगर वाटर सॉल्युबल होगा तो वो डेफिनेटली हम उसको जो है वो वाटर सॉल्युबल ड्रग है तो डेफिनेटली हम उसको पेरेंट्रल रूट से दे सकते हैं या इंटीरियर रूट से. अगर हम नॉन पोलर ड्रग है तो इंटीरियर रूट से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे. ठीक है, थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स हैं दूसरा पॉइंट हमारे पास कि इस फैक्टर पे हमारे पास ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करती है कि हमारे डिज़ायर एक्शन क्या है, हम कौन सी थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स चाहते हैं अपनी ड्रग से. लोकल साइट ऑफ एक्शन चाहते हैं तो वाई वी हैव टू चूज इंटीरियर रूट, हम उसको बाईपास मेटाबॉलिज्म ये सब चीज़ें क्यों कराएं जब हम टॉपिकली उसको लोकली हम अप्लाई करके लोकल साइट ऑफ एक्शन हासिल कर सकते हैं. ठीक है, एक्सटेंडेड रिलीज ऑफ हमें एक्शन चाहिए कि देर तक एक्शन रहे तो हम ऐसी एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन हम एडमिनिस्टर करेंगे कि देर तक उसकी एक्शन बॉडी में रहेगी. तो दिस इज द थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स that decides the route of administration. इस basis पे हम drug को choose करते हैं और उसको हम administer करवाते हैं. Okay, so first we have is enteral route. Enteral route is the simply है कि हमारे पास gastrointestinal tract का GI tract से जो route है वो enteral route कहलाता है, यानी कि route by mouth है. This is the convenient route. बहुत इजी टू यूज़ है, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है एंड इकोनॉमिकल मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव भी रूट है ये हमारे पास. एंड ट्रेडिशनल रूट भी है, मोस्टली इंटीरियर रूट से ही ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन हो रही होती है.
इसमें हमारे पास ओरल रूट्स शामिल हैं, यानी कि बाय माउथ हमने ले लिया जो जीआई का हिस्सा बनेंगी, देन इट विल गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट एंड परफॉर्म फार्माकोकाइनेटिक्स, फॉलो फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट कम इज सबलिंगल और बकल, यानी कि हमने सबलिंगल जो टैबलेट्स होती हैं या बकल टैबलेट्स होती हैं, जो उसको सिर्फ मुंह में ही, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसको जीआई के अंदर लें, वहाँ पे वो डिजॉल्व होकर के एक्शन देना और उधर ही डिस्ट्रीब्यूट होकर के परफॉर्मेंस करना शुरू कर देती हैं, तो वो जीआई तक नहीं आती हैं फिर। तो ओरल के जो रूट्स में हैं, हमारे पास एंटेरिक कोटेड के प्रिपरेशन हैं, जिसमें बेस्ट एग्जाम्पल है एस्पिरिन की। एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जिसमें हम एक एडिशनल लेयर टैबलेट के ऊपर लगाते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि वो जीआई के अंदर डिग्रेड ना हो। जीआई को बेसिकली हमें जीआई को बचाना होता है इस तरह की प्रिपरेशन से, तो वो जीआई में डिग्रेड ना हो, वो इंटेस्टाइन के अंदर जाके डिग्रेड हो और वहाँ पे से वो डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये इस तरह की प्रिपरेशन एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन कहलाती है। द बेस्ट वन एग्जाम्पल इज एस्प्रिन। एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन आती हैं, ऐसी टैबलेट्स हम बनाते हैं, इसके अंदर भी एडिशनल लेयर होती हैं, दे ऑल आर टैबलेट्स बट एडिशनल लेयर के साथ होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। एंड स्लो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो इस तरह से ये अपना एक्शन देती हैं और एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन कहलाती हैं। एग्जाम्पल है बप्रोप्रियोन की। बकल या सबलिंगल में हमारे पास एग्जाम्पल आती है नाइट्रोग्लिसरीन की, जो मुंह में ही डिजॉल्व होकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, ये स्टमक और जीआई के अंदर नहीं आती हैं, वहाँ की डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती हैं, बकल से ही डिस्ट्रीब्यूट आउट हो जाती हैं। सो दैट्स वाई ये भी माउथ का ही हिस्सा है ना, बकल और सबलिंगल, तो इसलिए इट कम्स अंडर एंटेरिक रूट, पेरेंट्रल रूट में नहीं हम इसको काउंट कर सकते। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। The drug enters directly into the systemic circulation. यहाँ पे drug जो है directly systemic circulation का हिस्सा बन जाती हैं, that's how they bypass the first pass metabolism. जो GI के अंदर drugs होती हैं वो bypass नहीं करती हैं first pass metabolism. First pass metabolism क्या होता है कि first pass metabolism is the metabolism by liver. Liver जो है वो metabolism करना शुरू करते हैं यहाँ पे, तो जी आई के ड्रग्स जो हैं वो नहीं कर पाती हैं इसको बाईपास, तो इससे वहाँ पे आधी अमाउंट ज़ाया हो जाती है ड्रग की। बट जो पेरेंट्रल रूट में, क्योंकि इसमें बाईपास हो गया, मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, डायरेक्टली ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाती हैं, तो दैट्स हाउ दे इट इज़ कंसिडर्ड कि इट इज़ दिस रूट गिव्स 100% इट्स बायोअवेलेबिलिटी, यानी कि जितना रूट जितनी ड्रग हम लेंगे उतनी ही हमें एक्शन मिलना शुरू होगी उतनी परसेंट की ड्रग की, ठीक है। तो that's why it is considered it as unconscious patient, जो patient होश में नहीं है वो उन patients में ये administration हम उनके लिए करते हैं, उनको हम by parenteral route में हम उनको drugs देते हैं। rapid onset of action is best for poorly absorbed drugs, ऐसी drugs जो poorly absorbed हैं, जो by internal route absorb नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलर ड्रग्स हैं जो जी आई से एब्जॉर्ब नहीं हो सकती हैं, पोअरली एब्जॉर्ब हैं, तो उनको हम पेरेंट्रल रूट से भी दे सकते हैं। ओके, सो रूट्स कम्स अंडर इन पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव इज इंट्रावेस्कुलर रूट्स, इंट्रामेस्कुलर, सबकुटेनियस एंड इंट्राडर्मल। इंट्रावेस्कुलर में वी हैव एग्जाम्पल इज डॉक्सीरिबिसिन, विनक्रिस्टीन, वैंकोमाइसिन, एंटीबायोटिक्स भी जा रही हैं इसके रूट से, और जेंटामाइसिन है, ठीक है। इंट्रा मस्कुलर में वी हैव इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वैक्सीन्स एंड टॉक्सॉइड्स। सबकुटीनियस में इंसुलिन जा रही है और हिपेरिन की एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है। इंट्राडर्मल में कुछ टेस्टिंग होती हैं, ट्यूबरक्लिन के टेस्ट है के लिए हम इंट्राडर्मल का लेयर यूज़ करते हैं, या एलर्जी टेस्टिंग के लिए हम इंट्राडर्मल लेयर यूज़ करते हैं, और लोकल एनेस्थेटिक्स यानी कि अगर हमें लोकली किसी जगह को एनेस्थीसिया करना है तो हम उस जगह के लिए एंटरडर्मल का लेयर यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल वेरी वेल। सो गुड बाय टिल माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।